आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं नीरज द्विवेदी हूं। जबलपुर में एमबीए की छात्रा को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी बीजेपी नेता आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंसी गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला मित्र को गोली मारने वाले कथित बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रियांश विश्वकर्मा को 4 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में प्रियांश ने कहा कि पिस्टल की फायरिंग पिन खराब थी, गोली कब चल गई पता ही नहीं चला, परंतु देविका घायल हो गई थी। दरअसल आरोपी नेता धवंतरी नगर स्थित अपने ही कार्यालय में देविका ठाकुर को गोली मारने के बाद रिवॉल्वर और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क लेकर फरार हो गया था, परंतु 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि घटना के बाद प्रियांश ने घायल महिला मित्र को अस्पताल ले जाने की बजाय घटना छिपाने के लिए ऑफिस की सफाई की और घायल लड़की को कार में लेकर 5 घंटे घूमते रहा। बाद में पकड़े जाने के डर से उसे अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम को गुमराह करने के लिए वह अपना मोबाइल कभी ऑन करता तो कभी ऑफ करता। पुलिस का यह भी दावा है कि बीजेपी नेता को उन्होंने बाईपास से गिरफ्तार किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कथित भाजपा नेता ने संजीवनी नगर चौकी में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वह बीजेपी का झंडा लेकर स्कॉर्पियो पहुंचा था। इस समय उसके दोस्त भी साथ थे। पुलिस ने उसके पास से वह अवैध पिस्टल भी बरामद कर लिया है, जिससे वेदिका को गोली लगी थी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग देसी पिस्टल से हुई है। छात्रा वेदिका राठौर की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। गोली अभी भी उसकी पीठ में फंसी हुई है। सीएसपी प्रतिष्ठा सिंह ने बताया कि प्रियांश से संजीवनी नगर पुलिस चौकी में पूछताछ की जा रही है। एमबीए छात्रा को गोली मारने के आरोपी बीजेपी नेता पुलिस के सामने खूब रोया। प्रियांश विश्वकर्मा रेत कारोबारी भी है, उसका बिल्डर्स का भी काम चलता है। प्रियांश विश्वकर्मा पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल का खास था। शायद इसलिए घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में घायल युवती के परिजनों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए संजीवनी नगर थाने में जमकर हंगामा किया था। अब देखना यह होगा कि रसूखदार इस बीजेपी नेता पर पुलिस आगे और क्या कार्रवाई करती है।